आज के लेक्चर में हम पाई चार्ट बनाना देखेंगे। हमने वेरिएबल्स भी पुट कर लिए थे, उनको लेबल भी कर लिया था, डाटा भी पुट कर लिया था। ये हमने मेयर वाले स्केल भी, अलाइनमेंट कॉलम, मिसिंग वैल्यूज़ इन्हें दे ली थी हमने वेरिएबल्स को। हमारे पास एरिया वेरिएबल है, जेंडर है, प्रोफेशन है, विक्टम, कॉज, इंजरी, एजुकेशन, रेस्क्यू, व्हीकल, एज, टाइम और रोड टाइप है। इसके बाद हम डाटा व्यू में आ गए हैं। ये देखें हमारा जो डाटा हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था कि पुट कैसे किया। अब हम एनालाइज व्यू में जाएंगे, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक, और इसके बाद जाएंगे फ्रीक्वेंसीज में। डायलॉग बॉक्स शो हुआ, हमने एरिया को सिलेक्ट कर लिया, रीज़न ऑफ एक्सीडेंट को सिलेक्ट कर लिया और क्रैश एट्रीब्यूट या व्हीकल को सिलेक्ट कर लिया। चार्ट्स में जाएंगे, हमने पाई चार्ट बनाने हैं। ओके, हमें आउटपुट विंडो में ओके करने के बाद ये रिजल्ट शो होंगे। इनकी फ्रीक्वेंसीज निकलेंगी, इनकी परसेंटेज निकलेंगी। सबसे पहले एरिया की ये देखिए निकली हुई है, इसके बाद रीज़न ऑफ एक्सीडेंट की, क्रैश एट्रीब्यूट की और रेस्क्यू एक्टिविटी। जो हमने चार सेलेक्ट किए थे उनकी फ्रीक्वेंसीज और परसेंटेज हमें टेबल में दी गई हैं। इसके बाद हमारे पास एरिया का पाई चार्ट है। इसमें हमारे पास दो ही एरिया थे तो मिसिंग वैल्यू का थोड़ा सा इसमें नज़र आ रहा है कलर हमें येलो सा, और जो ब्लू कलर है वो अर्बन को शो कर रहा है और ग्रीन कलर हमारे पास जो है वो रूरल को शो कर रहा है। इसके बाद रीज़न ऑफ एक्सीडेंट, इनके वेरिएबल्स ज़्यादा थे तो इस तरह ये कोलिजन शो कर रहा है, ग्रीन कलर शो कर रहा है, पर्पल हमारे पास जो है वो फेल डाउन, और इसी तरह ओवर स्पीड और जो हमारे एनिमल वर्टिगो इस तरह के थे वो बाकी शो कर रहे हैं। इसके बाद हमारे पास क्रैश एट्रीब्यूट है, बाइक, पैसेंजर कार, ऑटो रिक्शा और हैवी व्हीकल। बाइक जो है वो सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट्स में पाई गई हैं तो इस तरह ये ब्लू कलर ज़्यादा है, ग्रीन और जो पर्पल हैं वो कम है। इसी तरह आगे आए तो रेस्क्यू एक्टिविटी है, फर्स्ट एड, THQ, DHQ या ऑलरेडी डेड, इस तरह जो ज़्यादा हैं वो फर्स्ट एड हैं और बाकी जो हैं एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट एड और जो डेड हैं वो बहुत ही कम है। इस तरह हमने इजीली जो है वो बना लेना, और जब हमारे फाइल सेव क्रॉस करने लगे तो इसे सेव कर लेना, इस तरह इसे नेम दे के सेव कर लेना। लास्ट में बार चार्ट बनाने का कहा था तो इसी तरह इधर से ही हमने जो है वो बनाना है। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक में जाके इस तरह हमने पाई चार्ट्स बनाने हैं। इसमें बाकी भी सारी हैं, ये वन बाय वन रिग्रेशन और काइज़ेर टी डिस्ट्रीब्यूशन और मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ये हम सब वन बाय वन करेंगे नेक्स्ट क्लासेस में। और आज की जो असाइनमेंट है वो यही है काम, कि आपने जो है पाई चार्ट बना के दिखाने, नेक्स्ट में हमें इनकी इंटरप्रिटेशन करें।